गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ और यश के उठने से पहले कर रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ देख के आपको समझ आ ही गया होगा। ज़्यादातर घरों में बच्चे इस टाइप की सब्ज़ियों से चिढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले जो भी है ना, जो भी मुझे गड़बड़ घोटाला करना है पहले ही कर देती हूँ। तो गाजर, चुकंदर, चुकंदर से उसको पता नहीं क्या दुश्मनी है, और लौकी, मतलब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको उतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा पहले तैयार कर लूँ। इन सबको ग्रेट कर लिया मैंने, इन सबका आटा तैयार कर लूँगी, और उसके उठने से पहले मतलब आटा तैयार रहेगा, फिर उतना उसको नहीं फ़र्क पड़ता। मतलब खाने में उसको सही लगता है, लेकिन अगर वो देख लेता है ना प्रिपरेशन, फिर उसको लगता है क्यों डाल रहे हैं। इसमें हरी मिर्च डाली है, कसूरी मेथी डाली है, और उसके बाद जो अचार का मसाला मैंने घर पे बना के रखा हुआ है, खुद से बना के पीस के रखा हुआ है मैंने, उसके अलावा नमक, मिर्च और जो मसाले आप ऐड करना चाहें या जो अलग फ्लेवर डालना चाहें वो डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसमें हमें आटा मिला देना है फटाफट से। इसमें आप चाहें तो दही वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो फटाफट से आटा लगा लेती हूँ मैं। हम लोगों में से बहुत सारी जो होम मेकर्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो हम सिर्फ घर संभालते हैं, तो हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जी किस लिए रहे हैं, हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ आता। तो चलिए, मैंने आटा लगा लिया है, आधा आटा मैं रख लेती हूँ शाम के लिए, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये पूजा करने से पहले का कार्यक्रम मैंने कर लिया था, उसके बाद मैं छत पे आई हूँ। पूजा वूजा करने के बाद है ना, मैं थोड़ी देर यहाँ धूप में खड़ी हूँ, कपड़े वपड़े धोए थे सुबह, धूप में इसलिए खड़ी हूँ कि धूप में रहना ज़रूरी है। उसके बाद जो नीचे जो मेरे धुले हुए कपड़े हैं, मतलब जो मेरे कपड़े हैं, वो उनको मैं नीचे फैला रही हूँ, क्योंकि अभी कभी भी बारिश हो सकती है। अगर बारिश में गीले भी हुए, कमल जी के कपड़े होंगे और यश के और चादर वादर मेरे तो बच जाएंगे। खैर, ये मजाक कर रही हूँ, छत पे उतनी जगह नहीं है, नहीं तो फिर उसी के लिए मुझे ताने लगे मिलेंगे कि आप इतने सेल्फिश हो, हस्बैंड के और बच्चे के कपड़े गीले करवाना चाहते हो। तो मैं अपने यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ, और हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन है ना, बिना उद्देश्य के बस लाइफ जैसे चलती है चलने देते हैं। और शुरू में ना, जैसे हमारी शादी से पहले या जब हम मतलब यंग होते हैं, हमारे बहुत सपने होते हैं, जब नई नई शादी हुई होती है तब भी। धीरे 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 सपने जो है ना, परिवार के साथ ही वो होते जाते हैं, और अपने लिए हम जीना ही भूल जाते हैं, अपने शौक, अपनी खुशियाँ सब खत्म हो जाती हैं। और ये मैं चटनी का वो कर रही हूँ, इसमें नारियल के थोड़े से टुकड़े और धनिया पत्ता और टमाटर वगैरह ये और हरी मिर्ची डाल के चटनी बना रही हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कि हम अपने आप को भूलने लग जाते हैं, अपनी खुशियों को हम ध्यान नहीं देते, और दूसरों के जैसे चला रहे हैं वैसे ही हम चलने लग जाते हैं। मतलब एक तरह से हम ये नॉन लिविंग एंटिटी की तरह घर में रहने लग जाते हैं। काम तो सारा करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो किस लिए जी रहा है, क्या चाहिए, क्या खुशी है, किस चीज़ में खुशी है। और कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा हो जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता हम किस लिए जी रहे हैं, और धीरे धीरे जीने की इच्छा ख़त्म होने की वजह से हमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कोई काम करने का मन नहीं करता, और शरीर में कोई कमजोरी ना हो, कुछ ना हो, तो भी थकान, आलस, जब मन करे सो गए, जब मन करे उठ गए, और मतलब दूसरों के हिसाब से ही चलना और अपने लिए कुछ भी नहीं करना और कुछ अपनी सोच ही नहीं रखना। तो अगर आप भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और या लाइफ से बोर हो चुके हैं ना, तो अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। और मेरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं, और ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी कलरफुल सा है चुकंदर की वजह से। ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद ये मैं यहाँ दिन में बैठी थी काम करने के लिए, क्योंकि ये यश का कुछ सामान है, अभी कारपेंटर आया था, तो कारपेंटर आया था उसकी वजह से फिर उस समय लग गई, तो उतना टाइम नहीं मिला। और उसके बाद फिर नीचे ये सब धोया था, तो इन सबको आके लगा रही हूँ मैं। और उसके बाद जो मतलब अभी शाम होने वाली है, तो उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब हम अपने ऊपर काम करने लग जाते हैं, अपने ऊपर हम काम बहुत तरीके से कर सकते हैं, और लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होती है ना, आप कोई दवाई खाएं, कुछ भी करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैंने देखा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अपनी फिज़िकल फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर जो जीने की चाह ख़त्म हो गई थी ना, वो वापस से जागने लग जाती है, और आप देखेंगे कि फिर से आपको जो मतलब एक उमंग ख़त्म हो गई थी लाइफ के लिए, वो फिर से आपकी आनी शुरू हो जाती है उमंग ज़िंदगी में। और उसके बाद आपको हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, घर के लोगों के साथ आपका बिहेवियर भी अच्छा होने लग जाता है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई करके देखी, लेकिन ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, हमारा फर्स्ट हाउस होती है, जो एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से देखें, तो अगर हम फर्स्ट हाउस सही कर लेते हैं ना, तो हमारे दूसरे हाउस ऑटोमेटिकली सही होने लग जाते हैं। तो जैसे कि हम अपने आप को सही करने लग जाते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, एक तो ब्लॉकेजेस जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं बहुत तरह की चीज़ें सोचने से, और मतलब अलग अलग चीज़ों की वजह से आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है पास्ट मेमोरीज़ की वजह से, जो बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज, इन सब की वजह से भी, और जो भी चीज़ों की वजह से, तो वो सारे ब्लॉकेजेस भी रिलीज़ होने लग जाते हैं। और जैसे ही हम अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग से अपने आप ही
निकलने लग जाती हैं और हम बहुत तरह की प्रोडक्टिव चीज़ें कर पाते हैं या उसमें भाग ले पाते हैं। और ये मेरा सेकंड फ्लोर पे मैंने ये बेडशीट बिछाई। अब मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ ब्लाउज पीस वगैरह छाँटने कि मुझे कौन से सिलवाने हैं कौन से नहीं, बहुत सारे रखे हुए हैं ऐसे। और खैर ये तो सब घर में चलता है, टेलर के यहाँ जाने का तो मेरा दिन ही नहीं बनता यार, पता नहीं कब जाऊँगी। टेलर पे कपड़े भी पड़े हैं मेरे। अभी मैंने रिसेंटली ना एक्सरसाइज फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, मैं इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। और मैंने बाल भी कटवा लिए क्योंकि बालों की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, अपने से लंबे बाल हो रहे थे मेरे। और एक्सरसाइज में मतलब ये हो रहा था कि डेली आप वॉश नहीं कर सकते, पानी से भी नहीं धो सकते ऐसे। अब तो जिस दिन वॉश ऑल्टरनेट डे पे करती हूँ शैम्पू, नहीं तो पानी से भी धो लेती हूँ। और ये सारे ब्लाउज पीस कुछ सिलवाऊंगी कुछ छोड़ दूंगी इन सबको। और ये नहीं समझ आ रहा इनका करूँ क्या, क्योंकि साड़ी से ज़्यादा सिलाई लग जाती है, जितनी की साड़ी नहीं उससे ज़्यादा सिलाई लग जाती है। तो कुछ मैंने छाट के निकाले हैं, देखती हूँ कौन से सिलवाने हैं कौन से नहीं। और अभी मैंने एक्सरसाइज, अभी मौसम सही हुआ है ना तो मैंने एक्सरसाइज फिर से शुरू कर दिया है। मैंने शाम को और सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग कभी कभी कर लेती हूँ, नहीं तो अगर जैसे टाइम ज़्यादा नहीं होता ना, ये शाम का खाना बना रही हूँ तो मैं फिर मतलब नाश्ते वगैरह के बाद जो खाना बनाने का टाइम होता है ना, नाश्ते के 2-3 घंटे बाद, 2 से 2.5 घंटे बाद, उसके बाद कर लेती हूँ। तो उससे मुझे मतलब काफ़ी सही लग रहा है। अभी तो मतलब वेट थोड़ा मैंने ज़्यादा पुट ऑन कर लिया है, तो खैर वो तो मैं घटा ही लूँगी। तो जैसे अभी शाम का टाइम है ना, मैं जो दिन का थोड़ा सा खाना होता है ना, मैं वही बचा लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी खाती हूँ, जल्दी नहीं बहुत जल्दी खाती हूँ। इन लोगों के लिए बस शाम को या डिनर बनाती हूँ, कभी कभी मैं डिनर करती हूँ जब मेरे लिए दिन का नहीं बच पाता तब। मैं थोड़ी देर योगा वगैरह भी करती हूँ और एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद लगभग मैं नहाती हूँ, फिर उसके बाद मेडिटेशन वगैरह करके फिर सोने जाती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और अभी थोड़ी सी लाइट आपको कम लग रही होगी इस रूम की, तो अभी मैंने सामने वाली लाइट बंद करी क्योंकि बिल्कुल मुंह पे आ रही थी, क्योंकि इस रूम में जो लाइट्स है ना वो मतलब ऐसे ही लगी हुई थी, मतलब जो लाइट एक्स्ट्रा बच गई वो इस रूम में लगा दी, क्योंकि इस रूम को कोई यूज़ करता नहीं था, बस ऐसे ही बेड पड़ा हुआ था। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, और कभी किसी के बारे में गलत ख्याल आ रहा है, कभी किसी चीज़ के बारे में किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो सब चीज़ें अगर आपके पास आ रही, वो सब टाइप के ख्याल अगर आपको आ रहे हैं ना, तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। और अपने ऊपर काम करने के लिए ना सबसे पहले हमें, जैसे कि अपनी पर्सनैलिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काम करते हैं। तो जैसे ही अपनी फिटनेस के लिए काम करना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे कि आपके जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न हैं, वो बहुत हद तक क्या 90% तक रिड्यूस हो जाएंगे। और उसके अलावा जैसे ही आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए काम करेंगे, अपने आप को फिट रखने के लिए, या अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे ना, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप में मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन या किसी की बद्दुआ या कुछ इस टाइप की चीज़ें, वो आपको बहुत कम असर करेंगी। क्योंकि जब आप इस टाइप की एक्सरसाइजेस करते हैं, या आप मतलब रनिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं ना, मैं घर की साफ सफाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइजेस की बात कर रही हूँ, तो एक्सरसाइजेस करते हैं या कुछ इस टाइप का करते हैं, तो मार्स से रिलेटेड या मंगल से रिलेटेड काम होता है, तो मंगल का नेचर कैसा है, आक्रामक है और थोड़ा सा मतलब बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला है, या कुछ इस टाइप का है कि जैसे कि किसी को छोड़ना नहीं, अगर किसी ने परेशान किया तो उसको छोड़ना नहीं, तो आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की हो जाती है कि आपको ये सब चीज़ें जल्दी इम्पैक्ट नहीं करती। ये नहीं कि आपको किसी से लड़ने जाना है, लेकिन आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, कॉन्फिडेंस विल पावर आपकी बढ़ जाएगी कि आपके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें असर नहीं करेंगी। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में कई तरह के ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, कई बार नेगेटिविटी की वजह से आ जाते हैं, कई बार हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से, खाने पीने की वजह से, वो सारे ब्लॉकेजेस भी धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और आपकी बहुत तरह की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ ना, तो उसमें ये हो जाता है कि कई बार हो जाता है कि दूसरे काम होते हैं। और दूसरी बात है कि जैसे कि अभी मेरा दूसरा, जैसे कि जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ या जो चीज़ें कर रही हूँ, तो सीखने के बाद ये होता है ना कि उस चीज़ों को हम प्रैक्टिकली उसको ट्राई करके देखें, तब उसके बाद हम किसी को वो चीज़ सजेस्ट करें ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो जैसे मैंने पढ़ ली, मुझे समझ आ गया, हाँ ऐसा होता है, मैं आपको बता दूँ, वो चीज़ काम करे ना करे, वो चीज़ हो सकता है उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो, तो मैं उन चीज़ों को पहले वो प्रैक्टिकली देखना चाहती हूँ, हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत जल्दी मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। और लंबे बालों की वजह से ना मुझे एक्सरसाइज पे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि उसमें ये हो जाता था कि हर ऑल्टरनेट डेज पे आप हेड वॉश नहीं कर सकते। अभी तो ये होता है कि ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं पानी से भी ऐसे धो लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है ना दिल्ली में, दिल्ली का जो मौसम है, और लंबे बालों को फिर केयर करना बहुत मुश्किल होता है। और कितना भी आप एसी में एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो ना, तो स्वेटिंग तो होती ही है, तो इसलिए शॉर्ट होने से मुझे थोड़ा सा आसान हो गया है। और मेरा वजन तो मैंने इतना पुट ऑन कर लिया कि मैं अभी आज कपड़े देख रही थी अपने,
जो टेलर के पास 6 महीने से पड़े हुए हैं कपड़े, देख रही थी कि नाप के लिए, क्योंकि पहले जो नाप देख के आई थी ना, तो उससे मेरा वजन काफी बढ़ गया, तो टेलर को मना किया था कि मत सिलना। और जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले पहने थे कपड़े, वो मुझे नहीं आ रहे, तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी वाले कपड़े को जो अभी आ रहे हैं वो दूँ, या जो थोड़ा वजन कम होने के बाद जिसमें आ जाऊंगी फिट वो वाले दूँ, कि कौन से दूँ। और मेरे साथ ये समस्या ना, पता नहीं क्यों टेलर वाली हमेशा रहती है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, वो हमेशा मतलब उसमें कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। तो चलिए कल तो वैसे मैं जाके देखूंगी कि जो पहले पड़े हैं उसके पास कपड़े, उनको पहले सिलवा लूँ, और उसके बाद और कुछ सिलवाने हैं मुझे, तो बाद में सिलवाऊंगी, थोड़ा सा वजन तो कम कर लूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत बढ़ गया वजन यार। तो चलिए ये ब्लॉग बस यहीं तक था, और मिलती हूँ आपसे किसी नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में, और तब तक मैं सुबह जो मुझे काम करना है उसके लिए प्लानिंग कर लूँ, और जो मेरा टू डू लिस्ट वाला कैलेंडर, वो कैलेंडर कह रही हूँ डायरी थी, वो भी मिल नहीं हुई है, क्योंकि अभी सामान इधर उधर हुआ ना, सारा इधर का उधर हो गया, और इसमें अभी भी यश ने अपना सामान रखा हुआ है, मतलब उसको कब्जा चाहिए होता है। तो ये कल जो मुझे काम करना है, और आगे का भी कुछ काम है, थोड़ी देर पढ़ूंगी, उसके बाद अपने जो मेडिटेशन वगैरह वो सब करके सो जाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।